हेलो दोस्तों, जैसा कि अब सर्दी आ चुकी है, बढ़िया बढ़िया टेस्टी टेस्टी सब्जियां भी मार्केट में आना शुरू हो जाएंगी। तो आज हम आपके लिए सबसे पहले पालक और कॉर्न की सब्जी लेके आए हैं। सर्दी की शुरुआत में ये दिखने में जितनी अच्छी लग रही है, खाने में भी उतनी ही टेस्टी होती है। इसके लिए सबसे पहले हमने आधा किलो पालक को अच्छे से साफ़ करके धो करके उबलने रख दिया है। जैसे ही इसको 5 मिनट उबलने में होंगे, उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा धनिया और 4-5 हरी मिर्ची डाल देंगे। इसको भी हम तकरीबन 5 मिनट के करीब उबलने देंगे और बीच बीच में हम इसको थोड़ा सा चलाते रहेंगे, जिससे सभी चीज़ अच्छे से उबल जाए। जैसे ही ये उबलेगी, हम इसको एक चलनी में निकाल लेंगे, जिससे कि इसका सारा पानी निकल जाए। देखिए, हमने इसको चलनी में निकाल लिया है। अब हम इसको एकदम से ठंडा करने के लिए इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे, ठंडा ठंडा, और इसके बाद हम इन तीनों चीज़ों को अच्छे से पीस लेंगे बारीक एकदम। देखिए, हमने इसका बना लिया है। धनिए का बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। अब हमने गैस पे बर्तन को चढ़ा दिया है और हम इसमें 2 चमचे तेल डाल देंगे। धनिया, मिर्ची और पालक तीनों को एक साथ उबालने में धनिए का अच्छा फ्लेवर आता है पालक के अंदर। अब हम इसमें 1/2 चम्मच जीरा डाल देंगे। हमने तकरीबन 2 पोटली लहसुन छील लिया है, बड़ी बड़ी गांठें, और 1/2 इंच का टुकड़ा अदरक को अच्छे से किस लिया है और लहसुन को बारीक काट लिया है। अब हम इनको इसमें डाल के अच्छे से फ्राई करेंगे, जब तक कि यह एकदम से लाल ना हो जाए, क्योंकि तेल में जब तक लहसुन का स्वाद ना आ जाए। उसके बाद हमने 2 बड़े प्याज अच्छे से बारीक काट लिए हैं और 2 टमाटर मीडियम साइज़ के बारीक काट लिए हैं। पहले हम प्याज को भूनने देंगे, उसके बाद हम फिर टमाटर डालेंगे। थोड़ी सी हमारी प्याज भुन जाए। देखिए, अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे और अब हम इनको भी अच्छे से भुनने देंगे, क्योंकि जितना अच्छा मसाला भुंजेगा उतना ही अच्छा स्वाद आएगा। जैसे ही ये थोड़ा बहुत भुन जाएगा, फिर हम इसमें अपने सारे सूखे मसाले डाल देंगे। देखिए, कुछ इस तरह से ये भुंजने लगा है, लाल होने लगा है। देखिए, अब हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे। इसमें हमने 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच मिर्ची और 1.5 चम्मच के करीब हम इसमें धनिया डाल देंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हमें मसाले को अच्छे तरह से भूनना है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, जिससे हमारा मसाला अच्छे से मैश हो जाए। देखिए, अब हम इसको चलाएंगे और इसको भूनने देंगे। देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे मसाले में बिल्कुल भी तेल नहीं है, लेकिन हम इसको देखिए, अब थोड़ी सी देर भूनने के बाद इसमें तेल ऊपर से आ गया। अब हम सबसे लास्ट में डालेंगे इसमें 1/2 चम्मच नमक और अब हम इसको भी अच्छे से चलाएंगे। देखिए, हमारा मसाला अच्छे से मैश हो चुका है और मसाले ने हमारे ना तेल छोड़ना भी शुरू कर दिया। अब हम इसमें 1 छोटी कटोरी या जितना भी आप चाहें कम या ज़्यादा कर सकते हैं कॉर्न डाल देंगे। कॉर्न को मैंने पहले से ही थोड़ा सा उबाल लिया था, क्योंकि पैक कॉर्न आते हैं पता नहीं, इसलिए मैंने इसको गर्म पानी में थोड़ा सा उबाल लिया था। हम इसको थोड़ा सा पकने देंगे। वैसे तो ये उबले हुए हैं, तो इनको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें ये पालक, धनिया और मिर्ची का पेस्ट डाल देंगे और इन सबको अच्छी तरह से चलाएँगे। आप चाहें तो बस इसको इतना ही गाढ़ा रख सकते हैं और चाहे तो थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। मैं इसको पहले थोड़ा सा भूनने दूं। देखिए, अब हम इसमें वही पालक के जो बर्तन था उसी में थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम उबाल लेंगे। देखिए, अब एक थोड़े समय के बाद इसमें उबाल आ जाएगी। देखिए, उबाल आ गई है। अब हम इसे को फिर से एक बार और चलाएंगे। अब हम इसमें को थोड़ा सा क्रीमी बनाएंगे। पहले इसको थोड़ा सा और उबलने दें, उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा 2 चुटकी गरम मसाला डालेंगे। यह होममेड मसाला है। देखिए, अब हम इसको भी चलाएंगे, जिससे ये मसाला अच्छे से इसमें मिल जाए और हम इसको और उबलने देंगे। इसकी खुशबू इतनी शानदार, इतनी अच्छी लगती है कि बनते बनते ही मन करता है खा लेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इसको थोड़ा सा क्रीमी बनाएंगे, हमने 1 बड़ी चम्मच भर के घर की ही मलाई डाल दी है। मलाई डालने के बाद हम इसको लगातार चलाएंगे। देखिए,
देखिए अब इस सब्जी का कितना बढ़िया टेक्सचर आया और कितनी बढ़िया लग रही है देखने में, और खाने में भी उतनी ही यकीन मानिए स्वादी भी लगेगी। देखिए ये हमारी सब्जी बन चुकी है लगभग। हम इसको एक बार और अच्छे से देखेंगे, जितना हमको गाढ़ी चाहिए ये उतनी गाढ़ी है। अब हम गैस को बंद कर लेंगे और गर्मा गर्म पालक कौन की सब्जी सर्व करेंगे। इसे चावल, पराठे, मक्के की रोटी किसी के भी साथ आप सर्व कर सकते हैं, खा सकते हैं। आप भी बनाइए, अपने घर वालों को खिलाइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।